एसपी ने कंटेनमेंट एरिया का दौरा कर दिए निर्देश। एडिशनल एसपी के साथ की बैठक। नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने उज्जैन में ज्वाइन करते ही लॉकडाउन सही तरीके से पालन कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। शनिवार की दोपहर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराने के लिए रूपरेखा बनाई। इस दौरान एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह, प्रमोद सोनकर, आकाश गुरिया, अंतर सिंह कनेश मौजूद रहे। एसपी मनोज के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन के साथ जनता का सहयोग जरूरी है। इससे पहले उन्होंने रात में कंटेनमेंट एरिया का भ्रमण किया और वहां तैनात पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों से बात की एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। देखिए, शहर में कोरोना के केस की संख्या काफ़ी है, कंटेनमेंट एरिया भी लगभग 50 है और रात में, देर रात में अपनी पूरी टीम के साथ, सारे एडिशनल के साथ पूरे कंटेनमेंट एरिया का दौरा किया था। तो जो कंटेनमेंट एरिया का एक प्रोटोकॉल है, क्वारंटाइन का एक प्रोटोकॉल है, जब तक हम कंटेनमेंट एरिया के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, इस संक्रमण से हम लोग निजात नहीं पाएंगे। और किसको फॉलो करना है? जनता को फॉलो करना है। फॉलो के पालन किसको कराना है? पुलिस को कराना है, प्रशासन को कराना है। और ये ऐसा मामला है कि इसमें सख्ती की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये आदमी और जनता के स्वतः की जागरूकता की पहली बात है। तो हम सभी लोगों को, आम जनता को, कंटेनमेंट एरिया के अलावा भी सभी व्यक्ति को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं और उनका पूरा पूरा सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम कंटेनमेंट एरिया को एकदम नो मैंस लैंड की तरह देखें, कोई मूवमेंट वहाँ न रहे। बावजूद इसके अगर कोई आदमी उसका उल्लंघन करेगा तो हम नम्रता के साथ सही तरीके से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया के नॉर्म्स को हम पालन कराएंगे। यही मुहिम जारी रहेगी। हम भ्रमण कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, प्रशासन से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, हेल्थ विभाग से समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को इस दिशा में हम एक ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग स्वतः आगे आकर के अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि इस बीमारी से हम लोग बच सकें।